हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रॉफिटेबल न्यूज़ लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को अपनी तरफ से कोई ऐसी नई सलाह देते हो, नया आइडिया देते हो या कोई नया बिजनेस आइडिया देते हो जिससे कि कोई नया कॉन्सेप्ट शुरू हो या फिर उन्हें किसी बिजनेस के अंदर उस आइडिया से बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो दोस्तों आप उस सलाह के लिए आपको 42 लाख रुपए तक का इनाम मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी बिल्कुल फ्री है। और ये आइडिया आप अपने डायरेक्ट अपने मोबाइल से दे सकते हो, इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए सिर्फ करना क्या है, आप अपने जो भी आप मोबाइल में ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो ब्राउज़र ओपन करें और आपको वहाँ पर टाइप करना है startupindia.gov.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्ट टैप करके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे वेबसाइट ओपन हो चुकी है स्टार्टअप इंडिया की। आप अगर यहाँ से लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया लोगों के पास आप देख रहे हैं, यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, आप इसे हिंदी या इंग्लिश में कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, सिंपल आपको यहाँ पे ये बैनर देख रहे हैं EODB नो मोर लिखा, आपको यहाँ पे टैप करना है। टैप करने के बाद ये यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, EODB ग्रांड चैलेंज इनोवेटिव आइडियाज़ टू रिफॉर्म गवर्नमेंट प्रोसेस। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको लगभग हर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एलिजिबिलिटी दी हुई है। इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, वैसे तो कोई भी आप इसके लिए आइडिया या सलाह दे सकता है। यहाँ पे इंसेंटिव और प्राइस दिया गया है, फर्स्ट प्राइस 3 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए है। दोस्तों आप यहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और जानकारी के लिए आपको यहाँ पे व्यू डिटेल पे टैप करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे टैप करेंगे तो एक PDF फॉर्म आपके डाउनलोड हो जाएगा मोबाइल में। तो आप यहाँ पे देखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रांड चैलेंज, यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट आप कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए कोई नया सजेशन, नया आइडिया या कोई अपनी नई सलाह दे सकते हैं जिससे कि गवर्नमेंट को चल के आगे चल के उसके प्रॉफिट हो, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले गवर्नमेंट को। आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से रीड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसे अप्लाई करने के लिए, और सबसे मेन बात दोस्तों ये है कि ये 19 नवंबर को लॉन्च हुई है और 1 जनवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट 1 जनवरी है। इसके लिए आपको यहाँ पे व्यू प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड अप्लाई पे टैप करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे टैप करेंगे तो नेक्स्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट अल्टरनेट गवर्नमेंट प्रोसेस फॉर ईज ऑफ इश्यू परमिशन लाइसेंस रजिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट दिया गया है। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे दूसरा डिपार्टमेंट दिया गया है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट ऑफ सिंगल पोर्टल ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन स्टेक होल्डर ऑन द लैंड ओनरशिप डिटेल डीड्स। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे फोर्थ मुंबई डेवलपमेंट ऑफ सिंगल पोर्टल ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। और उसके बाद यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दी गई, यहाँ पे फिफ्थ डिपार्टमेंट दिया गया है डेवलपमेंट ए सॉल्यूशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस टू ईज द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फिलिंग, यहाँ पे छठा। और इस तरह यहाँ पे ये सब डिपार्टमेंट दिए गए हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई आपके पास ऐसा आइडिया है जो इंटरेस्टिंग और जो सबसे अलग हो, जो गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल रहे, दोस्तों वो आइडिया आप उसी डिपार्टमेंट का आइडिया आप इन्हें दे सकते हैं अपने मोबाइल से डायरेक्ट। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप यहाँ देख रहे हैं, ये हर डिपार्टमेंट के नीचे अप्लाई नाउ का बटन है। जिस भी डिपार्टमेंट को आपको अच्छा लगता है, आपके पास कोई ऐसा इंटरेस्टिंग आइडिया है, तो आप वहाँ पे उसी डिपार्टमेंट के नीचे अप्लाई बटन पे टैप करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ सिंपल अप्लाई नाउ पे टैप करना है। उसके बाद दोस्तों प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये देखेंगे आप, फोर्थ जो डिपार्टमेंट था वो ओपन हो गया और उसका फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है, कंपनी नेम ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, एंटिटी टाइप ये भी ऑप्शनल है। और आप ये देख रहे हैं जो जहाँ स्टार लगे हुए हैं, रेड स्टार है, ये मैंडेटरी है, ये आपको ज़रूर फिल करने हैं। जैसे आपका नेम, आपका प्रोफेशन, क्या आप काम करते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट, इंडिया, ये सब फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डिटेल ऑफ सॉल्यूशन, आप ये देख रहे हैं डिटेल ऑफ सॉल्यूशन, आपको यहाँ पे 500 वर्डों के अंदर वो जो भी आपके पास आइडिया सजेशन है वो यहाँ पे आपको लिखना है, क्या उसका प्रोसेस होगा, क्या सॉल्यूशन निकलेगा उसका और क्या प्रॉफिट होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा उस आइडिया का, वो सब आप यहाँ पे डाल दें। और अगर उससे रिलेटेड आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है किसी भी तरह का भी जो उसके रिलेटेड हो, उसके यूजफुल हो, तो आप यहाँ पे चूज फाइल पर टैप करके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, जो सिर्फ जिसका साइज 2 MB तक ही रहना चाहिए।
तो ये सब करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट पे टैप कर देना है और आपका आइडिया जो भी आपकी सलाह होगी वो सबमिट हो जाएगी। तो इसका रिजल्ट की बात करें तो दोस्तों आप व्यू डिटेल में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे रिजल्ट डिक्लेरेशन 1 फरवरी 2019 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। क्योंकि आपने फॉर्म के अंदर अपनी पूरी डिटेल डाली थी तो आपको अपने आप मोबाइल पे पता लग जाएगा आपका आइडिया सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपका आइडिया सिलेक्ट होता है, आपकी सलाह सिलेक्ट होती है, तो आपको लाखों के अंदर अच्छा खासा इनाम फ्री में घर बैठे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी वो इन्फॉर्मेशन, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर जरूर करना ताकि कोई ना कोई जिसके पास भी अगर कोई अच्छा आइडिया है वो अपने मोबाइल से इसे फिल कर सके और वो गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम में, इस चैलेंज में हिस्सा ले सके। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल का बटन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।